बस एक बार तुमको देखने को तरसूं। हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया से आजकल हर रोज कोई ना कोई स्टार बन रहा है। इनमें बहुत से स्टार तो ऐसे हैं जिनका सीक्रेट रिवील नहीं होता और कुछ का तो जेंडर भी रिवील नहीं होता। लोग कंफ्यूज रह जाते हैं कि वो लड़का है या लड़की, और उसी कंफ्यूजन से वो क्रिएटर बहुत फेम हासिल भी कर लेते हैं। इन दिनों इंटरनेट पर एक कपल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि जो लड़का है उसे बहुत से लोग लड़की ही बता रहे हैं। तो क्या ये कपल लड़कियों का ही है? इस सवाल पर बहुत बातें हो रही हैं। जो ये वायरल कपल हैं, उनमें एक ऋषभ खान है और एक साहिना खान। तो साहिना खान तो लड़की है ही, लेकिन ऋषभ खान पर बहुत कंफ्यूजन है कि वो लड़का है या लड़की। इनका असली सच क्या है और साहिना खान ने अपना रिलीजन क्यों बदला? क्योंकि वो पहले हिंदू थी और उनका नाम शिवानी सिंह था। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर अपडेट सीधे आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे। दोस्तों, पहले बात करते हैं ऋषभ की। जहां तक हमारी जानकारी है, वो एक लड़की हैं। ऋषभ का जन्म 6 जनवरी 2003 को राजस्थान के कोटा के एक छोटे से गांव महावीर के एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ। ऋषभ को प्यार से उनके घर वाले रज्जू कहकर बुलाते हैं और शिवानी मतलब साहिना इन्हें प्यार से राजा बोलती हैं। साथ ही इनका एक निकनेम छोटा नवाब भी है, जिस नाम से उन्हें कई फैंस जानते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले इसी नाम से आईडी बनाई थी। बात करें ऋषभ की फैमिली की, तो इनकी फैमिली में इनके अम्मी, अब्बू, दो भाई और एक बहन है। ऋषभ का जन्म तो लड़की के तौर पर हुआ, लेकिन ऋषभ को खुदा का ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने जब होश संभाला तो लड़कों की तरह ही रहना शुरू कर दिया। उन्हें लड़कों की तरह ही रहना पसंद रहा है। ऋषभ को स्टार्टिंग में लड़कों की तरह रहने पर घर से काफ़ी डांट पड़ी, लेकिन उन्होंने डांट खाते हुए भी अपना लुक चेंज नहीं किया। घर वाले बोलते थे, तुम लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, लेकिन ऋषभ को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। घर वालों ने ऋषभ का नाम प्यार से रज्जू रखा था, पर इन्होंने उसे बदलकर ऋषभ रख लिया। ऋषभ ने अपनी स्कूलिंग पास के ही एक स्कूल से की, लेकिन बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। ऋषभ ने टिकटॉक पर लोगों को वीडियो बनाते और फेमस होते देखा तो सोचा, चलो मैं भी वीडियो बनाती हूँ। ऋषभ ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे वीडियो बनाने के बाद भी ऋषभ को कुछ गिने चुने ही फॉलोअर्स मिले थे। उनका वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, लेकिन जब ऋषभ ने शिवानी के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उनके वीडियो वायरल होने लगे। न सिर्फ वायरल, अब उनके हर वीडियो टिकटॉक के ट्रेंडिंग पेज में जाने लगे और कुछ ही टाइम में वो फेमस क्रिएटर बन गए। इनकी टिकटॉक आईडी छोटा नवाब से थी, जिस पर इनके लगभग 5 मिलियन और शिवानी के 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। टिकटॉक बैन होने के बाद इनके बहुत से फॉलोवर्स इनसे अलग हो गए, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। टिकटॉक बैन के बाद ऋषभ और शिवानी इंस्टाग्राम रील्स और टिकी ऐप पर वीडियोस पोस्ट करने लगे। कुछ समय बाद यहां भी उनके वीडियोस बहुत तेजी से वायरल होने लगे। इंस्टाग्राम पर ये दोनों मिस्टर ऋषभ खान और मिस साहिना खान के नाम से फेमस हैं। इन दोनों की वीडियो को इनके फैंस बहुत पसंद करते हैं और इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल रहती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं साहिना खान के बारे में। साहिना खान का जन्म 23 मार्च 2004 को राजस्थान के कोटा के छोटे से गांव महावीर के एक हिंदू मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके घर वालों ने उनका नाम शिवानी सिंह रखा था। ऋषभ और साहिना एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साहिना ऋषभ के घर के पास वाली गली में रहती थीं। उन दोनों की दोस्ती साथ खेलने और घूमने से शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती चली गई। ऋषभ को टिकटॉक पर वीडियो बनाते देख साहिना का भी मन हुआ टिकटॉक पर वीडियो बनाने का। उन्होंने ऋषभ को बोला, जिसके बाद ऋषभ और साहिना साथ में वीडियो बनाने लगे। शिवानी टिकटॉक पर क्यूट शिवानी के नाम से फेमस हुई। जब प्यार ही नहीं था तो बता देती ना, यूं सपने में बिना मेकअप के आने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं शिवानी हिंदू से मुस्लिम क्यों बनी। जब ऋषभ और शिवानी साथ में काम करने लगे तो लोगों ने इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया।
लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देखकर इन दोनों ने बहुत सारे साथ में वीडियोस बनाए। एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो गए। ऋषभ मुस्लिम थी और लड़का भी नहीं थी, इसीलिए शिवानी को उनके घर वालों ने बहुत समझाया और बहुत डांटा भी, पर शिवानी ने किसी की एक न सुनी और अपना धर्म बदल लिया। अब शिवानी सिंह से साइना खान बन गईं। भले ही ये दोनों लड़कियां हैं पर दोनों में बहुत प्यार है और खुद को दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मानते हैं और वो कहते हैं जब वो 25 साल के होंगे तो एक दूसरे से शादी कर लेंगी। अगर इन दोनों के सोशल मीडिया फॉलोअर्स की बात की जाए तो मिस साइना खान के इंस्टाग्राम पर 5,80,000 फॉलोअर्स हैं, ऋषभ खान के इंस्टाग्राम पर 3,60,000 फॉलोअर्स हैं। ये लोग टिकी ऐप पर भी वीडियो बनाते हैं जहां ऋषभ 2 मिलियन फॉलोअर्स पर पहुंचने वाली हैं और साइना के भी टिकी पर लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना फेम पाने के बाद भी ये एकदम से क्लियर नहीं हुआ है कि ऋषभ के जेंडर की सच्चाई क्या है। हालांकि उनकी रियल वॉइस भी लड़की जैसी ही है लेकिन लोग फिर भी एकमत नहीं हैं। ऋषभ का छोटा नवाब नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो ज़्यादातर शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती हैं। ऋषभ और साइना को ट्रैवल करने का, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत शौक है। मोविन, हाँ? मेरे मुस्कुराने की वजह तुम ही हो। सच? हाँ। वो कैसे? शक्ल ही ऐसी तुम्हारी, मेरी ऐसे निकल जाती है। मेरे दोस्तों से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या मोहब्बत का, कोई तीसरा बीच में आ जाता है ना मेरी जान, तो फर्क पड़ता है। सांस है, रान है। सुनो, I love you. लेकिन मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिला सकता। Let's break up. पीते हो? मंगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी ऋषभ खान और साइना खान की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऋषभ के इस तरह अपना जेंडर छिपाने के बारे में और इस कपल का फ्यूचर क्या होगा इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम प्रे करते हैं ऋषभ और साइना हमेशा खुश रहें और अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल करें। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम आपकी हर कमेंट पढ़ते हैं और आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।